तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सारजे कंस्ट्रक्शन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में देने जा रहा हूँ आपको थोड़ी जानकारी इस कॉलम के बारे में जो हम फर्म में भरते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जो हम कॉलम यहाँ भरने जा रहे हैं ये आप देख रहे हैं, तो इसमें होता क्या है कि जैसे हमारे पास जो फर्मे होते हैं भरने के लिए, वो लोग प्लाईवुड में ही बनाते हैं और कुछ लोहे के भी होते हैं। तो जो प्लाईवुड के हम बनाते हैं तो उसकी हाइट जो होती है वो काफ़ी होती है, लगभग 8 फिट या 9 फिट ऐसे हाइट रखते हैं लोग। तो उसका क्या है, वो एक बार में फर्मे भर जाते हैं और उसमें कोई ऐसी वो दिक्कत वाली बात नहीं। मगर जैसे हमारे फर्मे होते हैं भरने के लिए छोटे, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं छोटे फर्मे हमारे पास 3.5 फिट के लगभग हैं, 3 फिट 7 इंची का फर्मा है ये हमारा। तो जब हम इसको लगाते हैं, हमारी हाइट होती है 11 फिट 11.5 फिट 11.75 फिट। तो जब हम इनको फर्मों को लगाते हैं तो यहाँ दिक्कत क्या आती है कि हमें 3 बार 4 बार भरने पड़ते हैं ये। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने जब भर दिए तो जब ऊपर तक हमारा फर्मा जाता है, जब हम दूसरा फर्मा लगा देते हैं ऊपर, तब उसके बाद में फिर तीसरा फर्मा लगाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि कभी कम और कभी ज़्यादा भरना पड़ता है। और हमारी जो हाइट होती है तिपाई की, जो आप यहाँ तिपाई देख रहे हैं, तो हमारा फर्मा जो है तीसरा वाला इससे ऊपर काफ़ी निकल जाता है, कहीं चौथा लगाना पड़े। जैसे हमारी जो क्या कहते हैं, जो फर्मे गैलरी के होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो ये फर्मे हमने नीचे से भरे हुए हैं कॉलम गैलरी से, तो यहाँ हाइट और ज़्यादा है, तो जहाँ हाइट और ज़्यादा हो जाती वहाँ दिक्कत ये हो जाती है कि वहाँ फर्मे लगाने पड़ते हैं 4। तो 4 में क्या होता है कि 4 के बाद भी थोड़ा मतलब 1.5 फिट या आपको 1 फिट के आसपास और भरना पड़ता है। तो फर्मा के हाइट होने की वजह से उसमें भरने में दिक्कत होती है काफ़ी। तो उसमें करना क्या होता है, तो उसमें ये करना होता है कि हमने जैसे लिंटर डालना है अपना, तो हमने पहले पता कर लेना है कि हमारा लिंटर कितनी हाइट में पड़ने वाला है। जैसे हमारा 11 फिट पर पड़ने वाला है या 11.5 फिट पर, तो हमने वहाँ पर फिर निशान लगा कर अपना जो है ऊपर से लेना है फर्मे का नाप, ऊपर से लेना है ताकि हमारे जो हाइट है हमारे फर्मे की 3.5 फिट या 3 फिट 7 इंची, तो उसके हिसाब से हम ऊपर के फर्मे पूरे पूरे ले लेंगे। या हम कहते हैं ऊपर से अपने 2 फर्मे लगभग, हमने जैसे हमारे 3 फिट के बाद में थोड़ा फर्मा और भरना है, तो हमने ऊपर के 2 फर्मे या 3 फर्मे पूरे ले लेने हैं, पूरे हाइट के ले लेने हैं। उसके बाद में लास्ट में बचता है 1 फिट बचता है या 1.5 फिट भरना है हमें या 6 इंची भरना है, तो उसको हमने पहले ही शुरुआत में भर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी पूरा जो हमने भरे हुए हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ हमारे फर्मे एक तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है यहाँ से, और फिर एक इसके बाद में छोटा सा फर्मा यहाँ पर भरा हुआ है, इसके बाद में सीधा एक फर्मा ये है और एक फर्मा ऊपर है, यानी कि 1 और 1 2 2 और 1 3 और एक चौथा जो है थोड़ा भरा हुआ है। तो हमने क्या किया है, ऊपर से तो हमारा नाप लेके हमने पूरा बना लिया है, एक फर्मा ये लिया, एक फर्मा ये लिए, दो फर्मे ले लिए। अब यहाँ पर आसानी से हम भर सकते हैं, नीचे से खड़े होकर भर सकते हैं, तो इसलिए हमने ये वाला फर्मे को अपने एक फर्मा भरने के बाद ही यहाँ पर हमने इसका भर लिया, कैलकुलेट निकाल के कि इतना फर्मा हमारा यहाँ आना है, तो इतना हमने यहाँ भर लिया ताकि आसानी से भर गया। ऊपर के हमने फर्मे पूरे भर दिए ताकि जो हमने तिपाई लगा के आराम से भर दिए गए, हमारा हाथ आज आराम से पहुँच जाता है, तो इसमें दिक्कत नहीं होती है ऐसे फर्मा भरने में। तो देख सकते हैं आप कि इस तरीके से भरा है हमने फर्मे के लिए। तो वही करना है अपने भी, ऊपर से अपना ले लेना है फर्मों के नाप कि हमें कितने फर्मे हमारे ऊपर आने हैं सीधे सीधे, और पूरे पूरे फर्मे हमने ऊपर से भर देते हैं, 3 आते हैं हमारे जैसे ही, और जो हमारा आता है कम एरिया भरना है हमें। मान लो हमारा एक यहाँ पर जैसे हम देखते हैं यहाँ पर 13 इंची हमारा भरा गया है फर्मा, तो ये हमने 13 इंची बीच में ही भर दिया है। हम यहाँ नीचे ही भर सकते थे, अगर हम पहले देख लेते इस चीज़ को तो हम नीचे ही भर लेते, फिर इसके बाद हमारे पूरे फर्मे सारे सीधे ऊपर तक भर जाते, मगर हमने यहाँ पर भर दिया दूसरी बार में ताकि यहाँ अब ऊपर हमें भरने में दिक्कत ऐसी कुछ नहीं हुई है भरने में। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ भी भरा हुआ है और इस तरीके से हमारे फर्मे सारे भर चुके हैं। तो इस तरीके से हमने ऊपर से नाप करके अपने फर्मे भर लेने हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम फर्मे भरें तो हमने थोड़ा सा इसमें एक अद्धा वगैरह लगा लेना है, जिससे कि इसमें थोड़ा गड्ढा हो जाता है, तो इसको भी लगाना सही रहता है कि इससे क्या होता है कि थोड़ा जब गड्ढा बन जाता है तो ऊपर का मसाला आता है इसके अंदर तो भर जाता है, उससे थोड़ी यह है कि मजबूती आती है, क्रैक नहीं आता है। इस काम को भी आप कर सकते हैं, और इसमें देख सकते हैं आप कि 9x9 का कॉलम है,
इसमें हमने 6 सरियाँ डाली हुई हैं 400 सूद की, और यहाँ पर हम भरें भर रहे हैं, देख सकते हैं अब यहाँ निशान हमने ले लिया है ऊपर वाला कॉलम का, और उधर भी ले रहे हैं ताकि हमारा दूसरी बार का जो कॉलम आएगा वो हम कम भरेंगे ऊपर के हिसाब से निकाल के, ताकि हमारा तीसरा वाला जो फर्मा आएगा वो ऊपर से एकदम पूरा भर देंगे किसी किसी नाप के, बिना किसी नाप के ऊपर से पूरा फर्मा भर जाएगा। तो इस तरीके से भर लेना है, देख सकते हैं आप। तो ये थी छोटी जानकारी कॉलम के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।